हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, दलिये से बना इतना बेहतरीन पिज़्ज़ा जिसे बच्चे देखते ही खुश हो जाएं। मैदे से बना पिज़्ज़ा बहुत शरीर के लिए अनहेल्दी तो होता ही है और डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। एक बार इस दलिया पिज़्ज़ा को बना के देखिएगा, बहुत यम्मी रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे एक कटोरी दलिया को मैंने यहाँ पे मिक्सी में चला लिया था और इसे मैंने एकदम पाउडर नहीं बनाया। जो दलिया का मेरा वो था वो उसको मैंने क्रश कर दिया। देखिए कुछ तो अच्छे से बिल्कुल आटे की तरह पाउडर सा हो गया और कुछ थोड़ा सा उसमें क्रंच है, बस उतना ही रखना है। अब एक दो बार हल्का हल्का चला लीजिए जिससे दलिया थोड़ा क्रश हो जाए। और मैंने देखिए इसमें पानी मैं डिप करके इसको मैं भिगो रही हूँ जिससे दलिया सॉफ्ट हो जाए और पानी अब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा फूल जाए, क्योंकि दलिया पानी में डालते थोड़ा फूल जाता है। और जितना सफिशिएंट आपको लगे पानी उतना ऐड कर लीजिए। मैंने दो बार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको भिगो लीजिएगा जिससे ये पूरा अच्छे से फूल जाए दलिया। एक कटोरी दलिये में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी सूजी ऐड करी है। ये देखिए वही कटोरी मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ। पहले भी मैंने इसी कटोरी से मैं दलिया रखा, अब मैं इसमें हाफ कटोरी सूजी ऐड करी है। सूजी भी पानी को अब्जॉर्ब करती है। अब इसे अच्छे से घुमा लीजिए। देखिए मैंने और पानी ऐड किया और इसे अच्छे से चला लेना है और थोड़ी देर इसको घुमाते हुए जो कि ये अच्छे से सूजी दलिये के साथ मिक्स हो जाए, एक घोल सा तैयार कर लीजिए और थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए। कहते हैं इस बाउल को ढक्कन लगा के मैंने एक साइड कर लिया। थोड़ी 10 मिनट बाद ये देखिए सारा पानी अब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच दही ऐड करूँगी और दही आप रूम टेम्परेचर की ही लीजिएगा, ठंडी मत डालिएगा। और अच्छे से इस दही को भी आप घुमा लीजिए, बैटर में मिक्स कर लीजिए, जो कि देखिए दलिया सूजी दोनों ही फूल चुकी हैं। इनकी क्वान्टिटी थोड़ी पहले से ज़्यादा हो चुकी है। देखिए दही भी अच्छे से मिक्स हो गई है और मैंने इसमें किया नमक ऐड। ये देखिए नमक ऐड करके इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया 15-20 मिनट। अब बनानी है मुझे पिज़्ज़ा सॉस, जिससे मैंने 2 चम्मच घी रख के उसमें लहसुन ऐड कर लिया और लहसुन अच्छे से मेरा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन। ऑनियन को भी अच्छे से मैंने, ये देखिए मैंने ऑनियन ऐड कर लिया। ऑनियन को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं करना है, बस थोड़ा लाइट कलर आ जाए, हल्का सा ये रोस्ट हो जाए हमारा ऑनियन। और आपको इसमें ऐड करनी है अपनी टमाटो सॉस, कैचअप जो हम घर पे यूज़ करते हैं। ये इतनी यम्मी बन के रेडी हो जाएगी घर पे आपको पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मेरा जो ऑनियन है वो एक सार रोस्ट हो। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं अपने ऑनियन में। और नमक ऐड करके इसको मैं एक बार और चला लूँगी और थोड़ा सा एक चुटकी भर मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है और वही एक चुटकी भर मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। और फिर इन दोनों को अच्छे से मैंने घुमा लेना है, इनको अच्छे से या अपने ऑनियन में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बाद में ऐड करेंगे हम लोग अपना केचप। और फ्रेंड्स आप कैप्सिकम और कैरेट को भी बहुत पतला पतला चॉप करके काटते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम लोग अपनी। आप जो वेजेस आप पिज़्ज़ा में यूज़ करना चाहते हैं, चाहे ऑनियन, आप कुछ भी वेजेस, आप टमाटो इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अभी अभी सिर्फ हम पिज़्ज़ा सॉस बना रहे थे, उसमें मैं सिर्फ केचप ऐड करूँगी। आप 4-5 बड़े चम्मच इसमें केचप ऐड कर लीजिए। ये देखिए मैं तो बॉटल से ही ऐड कर रही हूँ। आप लगभग 4-5 बड़े चम्मच इसमें केचप है ये। और इसमें देखिए मैंने चॉप किया हुआ कैप्सिकम भी ऐड किया है। मैंने पहले सॉस ऐड कर ली और देखिए बिल्कुल छोटे छोटे मैंने कैप्सिकम ऐड कर लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से रोस्ट कर लूँगी जिससे ये जो सॉस है अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑनियन और कैप्सिकम में मिक्स हो जाए और थोड़ा इनको ये फ्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए, भुन जाए अच्छे से। और इनकी जो स्मेल है वो इतनी अच्छी नहीं लग जाती, इतना स्मेल करने में ही बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा की एक स्मेल आने लग जाती है क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस है। ये देखिए इसको अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा, मुझे केचप कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड किया इसमें।
आपको जितना अपने पिज़्ज़ा वगैरह रेडी करने हैं आप उस बिहाव पे उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना लीजिए। फ्रेंड्स बाहर के मैदा पिज़्ज़ा से तो अपने घर का बना देखिए ये इतना टेस्टी बनेगा और इतना हेल्थी होगा, ना इसमें इनो, ना इसमें बेकिंग सोडा, ना ही इसमें मैदा। देखिए घर में बना इतना हेल्थी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। ये देखिए मेरी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है एकदम, मैं इसको अलग निकाल देती हूँ, कूल डाउन हो जाएगा इसका टेम्परेचर। और चलिए पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं पहले। अब मैंने देखिए यहाँ पे पैन रख लिया है, इसको मैं हल्का सा इसमें घी ऐड कर लूँगी। आप घी ऐड करना चाहे तो घी ऐड कर लीजिए, आप ऑयल ऐड करना चाहे तो ऑयल से कर लीजिए। अच्छे से मैं इसको घुमा लेती हूँ पूरा उसमें, पूरे पैन पे पूरे उसमें ग्रीस कर दीजिएगा, जो कि अच्छे से जो मेरा हमारा जो बैटर बना हुआ है वो फैल जाए, उसके अंदर चिपके नहीं। ये देखिए कितना इस टाइप का बन जाएगा आपका जो बैटर बनेगा। देखिए दलिया पिज़्ज़ा जो हमारा मिक्स करके हमने बनाया है, और सच में ये आपको टेस्ट भी अच्छा देगा और दिखने में भी यम्मी लगेगा। चलिए इसका बिना आपको एक चपाती के बराबर इसको फैला लेना है। मैं दो करछी, पहले एक करछी डाली है, उसके बाद मैं दूसरी करछी ऐड करी और इसे गोल गोल ऐसे राउंड राउंड जिस तरह हम लोग चीला वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स उस तरह बना लीजिए। रियली बहुत यम्मी। आप हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा लेके आते हैं, वो हाफ एन आवर के बाद ही बहुत टाइट टाइट हो जाता है और वो क्या कहते हैं बहुत कड़क हो जाता है, बच्चों से तो खाया नहीं जाता। ये इतना सॉफ्ट और इतना हेल्थी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने पैन को कवर कर लिया है और गैस मेरी सिम से कहते हैं मीडियम पे है, और मैंने देखिए यहाँ पे कैरेट भी बहुत छोटे छोटे चॉप करके रख लिए थे। कैप्सिकम मैं सॉस में ऐड कर चुकी हूँ और कैरेट मैं ऊपर से ऐड करूँगी पिज़्ज़ा में। ये देखिए साइडों में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा सिक चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी साइडों से और ऐड करूँगी, हल्का हल्का बिल्कुल। सच में फ्रेंड्स इसे बनाइएगा, ये बहुत हेल्थी है, बहुत यम्मी भी करते बना था। और इसको मैंने फिर एक बार ढक्कन लगा के पका लिया था, गैस मेरी मीडियम ही है। देखिए ऊपर से ही दिख रहा है कि हाँ ये पक चुका है। अब मैं धीरे से किनारे से इसको निकालते हुए इसको पलट लूँगी, क्योंकि एक साइड तो मेरी ऑलरेडी कहते हैं मीडियम टू लो टू मीडियम थी तो पक चुकी है, तो मुझे अब दूसरी साइड से इसको बेक करना है। और जो सारा वर्क करेंगे हम इस साइड पे करेंगे, क्योंकि इस साइड हमारी सिक चुकी है। मैं दूसरी साइड मैंने उसको अब हमें इसे पलटना नहीं है, बस इसमें अब हम अपना बाकी वर्क करेंगे। देखिए मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो मैं हमने घर में होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी वो लगा लेनी है। आपके पास फ्रेंड्स चीज़ हो तो आप चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए इसमें। मैं इसमें अभी चीज़ भी ऐड नहीं कर रही, मैं इसके चीज़ के बदले यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड करूँगी। फ्रेंड्स सच में हम घर की ही चीज़ों से कहते हैं कितनी यम्मी और रेसिपी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये इतना हेल्थी, और आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी भेजिए। ये बिल्कुल जैसे एज इट इज़ सॉफ्ट आपको बनते समय लगेगा, वैसे ही इसका आपको 5 to 6, 7 to 8 आवर्स तक भी इसका जो सॉफ्टपन है जो उसका क्रंच है वो एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि मैंने खुद इसको रख के देखा था कि इसका जो क्रंच है ये कहीं टाइट ना हो जाए, और सच में एज इट इज़ ही रहा। ये देखिए मैं यहाँ पर एक चम्मच मेयोनीज़ ऐड कर ली है, जो मैंने फील किया फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सच में ये बच्चों के साथ बच्चों के टिफिन में देने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह देते हैं लेकिन वो बहुत टाइट हो जाता है, आप देखिए चीज़ किस तरह बिल्कुल थिक सी हो जाती है। और आप इस तरह बनाइए फ्रेंड्स, आप चीज़ ऐड कर सकते हैं लेकिन मैदा और बेकिंग सोडा ये बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें क्यों दें हम, आप क्यों ना आप कहते हेल्थी वे में बच्चों की मनपसंद चीज़ें बनाएं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड कर ली, अब मैं इसको कवर करके पका लूँगी थोड़ी देर। ये देखिए अब मैंने इसमें कैरेट ऐड किए हैं अपनी जो मैंने चॉप करके रखी थी, ऊपर से उसको डेकोरेट कर लिया। इसमें आप कुछ भी ऐड कर लीजिए जो आपके मनपसंद वेजीज हो, और कॉर्न ऐड कर लीजिए कहते हैं जो आपके मनपसंद वेजीज हो। अब मैंने इसको कवर करके रख लिया है, 10 मिनट इसको कवर करके रखिएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए। और देखिए बन के रेडी है हमारा कहते हैं दलिया पिज़्ज़ा। अब इसको कट कर लेते हैं। सच में फ्रेंड्स ये इजीली कट हो रहा है,
और इतना अच्छा था इसका टेस्ट रियली। ये देखिए क्या स्लाइसेस दिखते हैं इसके, मैं आपको शो कर रही हूँ, कितना बेस भी इतना मोटा नहीं है और हेल्थी है, दलिये से बना है मेन, है ना फ्रेंड्स, कितना यम्मी है। चलिए आप ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से पैन को मैंने ग्रीस कर लिया और एक ब्रेड रख लिया इस पे, और ब्रेड को अच्छे से मैं एक तरफ सेक लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी वही पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी की है, होममेड, है ना फ्रेंड्स। कितनी यम्मी रेसिपी है ये, देखिए सच में ये इतनी डिलीशियस रेसिपी है। आप इसे, इस ब्रेड पिज़्ज़ा को भी आप अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में, आप कभी भी ब्रेकफास्ट स्नैक्स में रेडी कर सकते हो। बहुत यम्मी रेसिपी है, यहाँ भी आप चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। आप डालते हैं, मैं अभी म्योनीज ही ऐड करूँगी। फ्रेंड्स सच में बहुत यम्मी बन के रेडी हुआ था। आप दलिया पिज़्ज़ा ट्राई करें, ब्रेड पिज़्ज़ा ट्राई करें, दोनों ही बहुत बेस्ट बने थे, एक बार ट्राई कीजिएगा। और बच्चे तो इसे इतने इंजॉय करके खाएंगे, पिज़्ज़ा का नाम जिसके साथ ऐड हो जाए तो बच्चे तो खुश। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और देखिए कितना झटपट बन के रेडी रेडी हो जाता है। सिर्फ जो टाइम लगा पिज़्ज़ा सॉस बनाने में लगा है फ्रेंड्स, वो भी 5 से 10 मिनट, बताइए आधे घंटे में आपका इतना बेहतरीन पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा, ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। और दलिया कितना पौष्टिक होता है, और वो हम बच्चों को एक कहते हैं उनके वे में बना के उनके आगे रख रहे हैं और बच्चे कितने खुशी से खा रहे हैं, तो है ना फ्रेंड्स, यम्मी। उसके साथ आप अपनी मनचाही वेजीज ऐड कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें ब्रेड पिज़्ज़ा में भी मैंने कैरेट ऐड कर लिए हैं। आप यहाँ पे ओनियन, टमाटो, जो आपका मन हो वो ऐड कर सकते हैं। और फिर से मैंने यहाँ पे लिड लगा के रख लिया है, और ब्रेड पिज़्ज़ा तो बस 5 मिनट में ही ये नीचे से सिक जाएगा और रेडी है। ये देखिए मैं इसको कैप कर ढक्कन लगा के रख लिया था, इसे लिड लगा ली थी, और इसे थोड़ी देर के रख लीजिए। उसके बाद बन के ये इतना, इसका जो टेस्ट आएगा बहुत औसम आएगा। ये देखिए मैं एक बार लिड निकाल के इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने साइडों से फिर से थोड़ा सा घी ऐड कर लिया, आप मन चाहे आप ऑयल ऐड कर लीजिए। आप मैंने में हम म्योनीज ऐड की है, आप यहाँ पे चीज़ ग्रेट करके ऐड कर लीजिए। और थोड़ी देर मैंने इसको फिर कहते घुमा लिया है कि ये अच्छे से चारों कहते पूरे उसमें से एक से एकदम कड़क जैसे क्रंच आने लग जाए ब्रेड में, वो हो जाए, और अच्छे से इसको सेक लेना है। 5 मिनट के अंदर ही आपका ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। और दलिया पिज़्ज़ा भी रेसिपी की देखिए कितने कितनी यम्मी है, एक बार आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, सच में बहुत अच्छी रेसिपी है। अब इसको देखिए, आपको दिख रहा है नीचे से जब सेक गया तो हल्का हल्का धुआं सा नीचे से निकलने लग गया, एक मीन्स ये रेडी हो चुकी है। इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी लग रहा है ना। अब घर पे ही रखी चीज़ों से हम लोग कितनी बेहतरीन रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरे ब्रेड बना के दिखा रही हूँ, सेम उसी प्रोसीजर से हमने मैंने इसको सेक लिया, इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लिया। और फिर मैं इसमें मेयोनीज ऐड कर लूँगी अपनी एक चम्मच, और कैरेट ऐड कर लिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, आप मनपसंद वेजीज कुछ भी ऐड कर लीजिए जो आपका मन हो। और देखिए देखने में ही कितना यम्मी लग रहा है, तो खाने में कितना यम्मी होगा, कितना टेस्टी होगा। और सच में एक बार इस तरह आप बनाइएगा, पिज़्ज़ा सॉस बनाइए, कितना इसका जो कहते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाते बनाते मुझे स्मेल स्मेल आने लगी थी, हाँ कि ये बिल्कुल औसम बनी है पिज़्ज़ा सॉस। क्योंकि जिस तरह जब पिज़्ज़ा हमारे सामने लाया जाता तो उस जो सॉस की स्मेल आती है ना फ्रेंड्स, सच में वही सॉस स्मेल से ही हमारा पिज़्ज़ा खाने में जो हमारा कहते हमारी एक्साइटमेंट होती है वो बढ़ती है, सेम वही कहते इस सॉस में आई थी। एक बार इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने बस 5 मिनट में इसको फिर इसको घुमा लिया था और इसे फिर से बेक कर लिया, और रेडी हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड। ये देखिए मन चाहे शेप में कट करके आप बच्चों के टिफ़िन में भेजिए, स्नैक्स टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम कभी भी इंजॉय कीजिए, है ना यम्मी रेसिपी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।